मेरा निर्माण को ईश्वर नहीं किया है, मेरा जन्म को ईश्वर नहीं किया है। जो होता है ईश्वर के कृपा से होता है। बिजली गिरती है ईश्वर के कृपा से, ठंड का गिरता है ईश्वर के कृपा से, आंधी तूफान ईश्वर के कृपा से। जब ईश्वर के कृपा से सारा है तो ईश्वर के कृपा से अंग्रेज आया तो फिर ईश्वर के कृपा जहिया होता अंग्रेज चला जाता। भगत सिंह को कुर्बानी आई, गांधी को आंदोलन खड़ा करने की जरूरत कहां से। आत्मा के चक्कर में पढ़ाया गया है, आत्मा के चक्कर में समाज को उलझाया गया है, आत्मा के परमात्मा के फेर में समाज को डाला गया है कि आत्मा परमात्मा। अगर शरीर में आत्मा है तो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में जाकर आत्मा का एक्सरे अल्ट्रासाउंड करा के देखिए कि आत्मा शरीर में किस पार्ट में है। झूठ इस देश में हवाई जहाज के स्पीड से दौड़ रही है, भारत में झूठ हवाई जहाज के स्पीड से दौड़ रही है और सत्य गधा के रफ्तार से चल रहा है। जीव कैसे फॉर्म किया, प्लाज्मा कैसे बना उस समय से आज अरबों खरबों सेल के हम लोग बन गए। सेल का क्या फंक्शन है, हम क्या हैं, ये हमारे लोग नहीं समझ पाते हैं। कैसे उनको कोसे, हम बूझते हैं कि भगवान पैदा कर दिया हम हैं। हमारे शरीर के अंदर कौन सी क्रिया हो रहा है अरुण गुप्ता को कोई पता नहीं। हमारे पेट के अंदर जो हम चना खाए हैं वो क्या क्रिया हो रहा है, क्या एक्शन रिएक्शन उसका हो रहा है अरुण गुप्ता को कोई पता है। वो अपना फंक्शन सब पार्ट कर रहा है ना सच्चाई। जिस तरह से हजारों एक ट्रक बनाने में हजारों छोटी बड़ी पार्ट लगती है, हजारों छोटी बड़ी पार्ट को असेंबल करके हम एक ट्रक बनाते हैं, हजारों पार्ट लगा करके मोबाइल बनाते हैं, हजारों छोटी बड़ी पार्ट लगा के वो कंप्यूटर या ये माइक बनता है। सबका समान कोऑपरेशन से तब हम एग्जिस्ट कर पाते हैं, जीवित हो पाते हैं। अगर एक कोई मोटरसाइकिल में कोई ट्रक में 1000 पार्ट लगे हैं छोटे बड़े, उसमें एक भालटू का भी उतना ही सहयोग है जितना उसका लाइनर पिस्टन का काम है। लाइनर पिस्टन सुरक्षित हो, फंक्शन कर रहा है लाइनर पिस्टन, अगर भालटू उसका निकल गया, हवा निकल गया, एक को डेंग चलेगी ट्रक, बोलिए। इसी तरह से शरीर में अरबों खरबों परमाणुओं का एक संगठित संरचना है। यह शरीर में बहुत से पार्ट हैं, लाखों 206 हड्डी पढ़े हैं ना, शरीर में 206 हड्डी टुकड़ा है। 206 हड्डी को हमारे शरीर में नस के द्वारा असेंबल है, यही ना है। 206 हड्डी पर मैं खड़ा हूँ, आप भी वही उतना ही में खड़ा है। इस शरीर के अंदर किडनी है, लंग्स है, बोन है, स्प्लीन है, हार्ट है, ब्लड है, सारे पार्ट हैं। इसमें एक पार्ट का अगर गड़बड़ी हो जाए तो वही मोटरसाइकिल लेखन फिर दूसरा पार्ट लगाना होगा, उसमें प्राण नहीं जाएगा। अगर 206 आदमी को ले आइए और 206 आदमी को हम सब पार्ट अलग अलग निकाल देंगे शरीर के, तो भी इंसान जिंदा रहेगा। कैसे जिंदा रहेगा, एगो कोना में प्राण है, एगो किडनी हमारा निकाल दीजिए दाहिना तो बायां पर जिंदा रहेंगे ना। अब बायां उसमें प्राण, एगो दहिन का किडनी निकाले तो उसमें से प्राण नहीं निकला, बायां पर हम जिंदा रहे। फिर इनका एक किडनी निकाल दीजिए तो दहिना पर जिंदा रहेंगे, एक लंग्स निकाल दीजिए उस लंग्स पर जिंदा, ये लंग्स निकाल दीजिए उस पर जिंदा। इस तरह से सब पार्ट को अलग अलग कर देने के बाद आदमी जिंदा रहेगा। तो मर क्यों नहीं गया, आत्मा किस में गई। अगर शरीर में आत्मा है तो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में जाकर आत्मा का एक्सरे अल्ट्रासाउंड करा के देखिए कि आत्मा शरीर में किस पार्ट में है। जब उतना सूक्ष्म माइक्रोन से इलेक्ट्रॉन के उस रे से जो 1 इंच लंबा रेखा तुम पारते हो, तो 1 इंच लंबा रेखा पर एक दूसरे से अलग अलग रखोगे तो 1.25 करोड़ परमाणु एग्जिस्ट एक लाइन में करता है। जब उतना सूक्ष्म पदार्थ को जब वैज्ञानिक समझ सकता है तो प्राण उससे भी सूक्ष्म है, वो तुम कैसे जान गए। इसलिए आत्मा के चक्कर में पढ़ाया गया है, आत्मा के चक्कर में समाज को उलझाया गया है, आत्मा के परमात्मा के फेर में समाज को डाला गया है कि आत्मा परमात्मा जो होता है ईश्वर के कृपा से होता है। बिजली गिरती है ईश्वर के कृपा से, ठंड का गिरता है ईश्वर के कृपा से, आंधी तूफान ईश्वर के कृपा से। जब ईश्वर के कृपा से सारा है तो ईश्वर के कृपा से अंग्रेज आया तो फिर ईश्वर के कृपा जहिया होता अंग्रेज चला जाता। भगत सिंह को कुर्बानी आई, गांधी को आंदोलन खड़ा करने की जरूरत कहां से, ईश्वर के इजाजत में। इसकी कोई जरूरत नहीं थी, इसका मतलब जो गॉड इज नथिंग, ईश्वर
जिसको कार्ल मार्क्स ने कहा कि गॉड इज ग्रेट लाई, ईश्वर महा झूठ है। रिलीजन इज द ओपियम ऑफ लोटार, धर्म अफीम है, नशा है। जैसे डॉक्टर इधर सुंघा करके आदमी को बेहोश कर देता है और स्वेच्छा से डॉक्टर को जिस पार्ट को निकालना होता है निकाल लेता है, कोई बेचैनी। इसी तरह से हम इस उलझन में फंसा दिए गए हैं, इस उलझन में हम पड़ गए हैं कि सत्य और असत्य का हम पहचान नहीं कर पाते हैं। इस देश में सत्य हार गया, झूठ जीता हुआ है। झूठ इस देश में हवाई जहाज के स्पीड से दौड़ रही है, भारत में झूठ हवाई जहाज के स्पीड से दौड़ रही है, और सत्य गधा के रफ्तार से चल रहा है। ऐसी स्थिति में हमारा समाज बीमार है। बीमारी का कारण ब्राह्मणवाद है, गरीबी का कारण ब्राह्मणवाद है। ये देश पाखंडी बना हुआ है, ये देश कंगाल बना हुआ है, इसका कारण ब्राह्मणवाद है। इस देश में जो भी कुरीतियां हैं ब्राह्मणवाद।